नमस्कार। आज हम देखेंगे किसी भी प्लॉट का सेंटर पॉइंट निकालना। कोई भी प्लॉट है जिसका हमें सेंटर पॉइंट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। आइए चलते हैं, आइए देखते हैं किसी भी प्लॉट का सेंटर पॉइंट निकालना। देखिए, ये प्लान है जिसका हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो ये प्लान में देखिए, ये मेन गेट है, इधर से चढ़ के सीढ़ियां, ये बरामदा है, ये ड्राइंग रूम है, इधर अंदर आए किचन है, बेडरूम है, इधर बाहर आए ये बेडरूम है, इस तरफ एक और बेडरूम है, ये बाहर से इधर से भी एंट्रेंस है, इधर से इधर स्टेयर्स भी बनी हुई है। इसका सेंटर पॉइंट निकालना है तो एक तो तरीका ये है कि इस जगह से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की जाए और यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ की जाए और जो सेंटर पॉइंट आता है उसको सेंटर पॉइंट मान लिया जाए, या फिर जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसको अपन गत्ते पे काट लें इस तरह से, और फिर उसके ऊपर जहां से बैलेंसिंग होती है उस पॉइंट को सेंटर माने। तो सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, हम इसको हार्ड बोर्ड पर काट लें और उसके बाद जिस पॉइंट से बैलेंसिंग होगी उस पॉइंट को सेंटर पॉइंट मानेंगे, तो एक्यूरेट सेंटर पॉइंट इस प्लॉट का, इस कंस्ट्रक्शन एरिया का निकलेगा। तो इस प्लॉट का कहते हैं कि भाई इस मकान का सेंटर पॉइंट कौन सा है, तो कंस्ट्रक्शन एरिया का। इसको हार्ड बोर्ड पर लेकर कटिंग करके जिस पॉइंट से बैलेंसिंग होगी वो इसका सेंटर पॉइंट होगा। आइए अपन प्रैक्टिकली इसको हार्ड बोर्ड पर काट कर फिर सेंटर पॉइंट देखते हैं। अपन ने जो अभी प्लान देखा था उसको देखिए, इस पर हार्ड बोर्ड पर काट के पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट कर दिया है, इसकी बैलेंसिंग देखनी। तो देखिए, एक तो तरीका ये होता है, ये क्रॉस करते हैं, ये कोने से कोना, ये कोने से ये कोना, क्रॉस करके सेंटर पॉइंट निकलता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये सेंटर पॉइंट नहीं है। सेंटर पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, इस कार्डबोर्ड को बैलेंस करना है। देखिए, ये निकाला है मैंने, इसको लेके ऐसे बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस हो रहा है, जिस पॉइंट से ये बैलेंस हो रहा है वो इसका सेंटर पॉइंट है। यानी इसका सेंटर पॉइंट ये ना हो कि ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से चूंकि ये बैलेंस हो रहा है इसलिए इसका सेंटर पॉइंट माना जाएगा। तो जो हमें यंत्र लगाना है वो इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। तो जो ये मेन पॉइंट आ रहा है, एक यंत्र तो यहाँ लगेगा, फिर इसके चारों ओर भी यंत्र लगेंगे, हम 9 यंत्र लगाते हैं तो पिरामिड के। तो सेंटर पॉइंट को निकालने का तरीका क्या है, कार्डबोर्ड पे काट कर फिर इसे बैलेंस करना है। जहां से ये बैलेंस हो रहा है, ये देखिए इस पॉइंट से ये बैलेंस हो रहा है, तो यही इसका सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें यंत्र लगाने चाहिए। तो इस तरह से हम किसी भी प्लॉट का सेंटर पॉइंट निकालते हैं। ओके, थैंक यू।